हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम डॉक्टर स्ट्रेंज की न्यू यूनिफॉर्म के साथ एबीएक्स ट्राई करेंगे और देखेंगे कि ये कितना स्कोर कर पाती है एबीएक्स में। तो गाइस, ये यूनिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वर्ल्ड बॉस में और एबीएक्स में भी। इवन जो पुरानी यूनिफॉर्म थी उससे तो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेबल है। और मेरे ओपिनियन में ये यूनिफॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो आप मिस कर रहे हो। इस यूनिफॉर्म को ज़रूर लेनी चाहिए आपको। आप ब्लैक फ्राइडे सेल पे इस यूनिफॉर्म को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। इन फ्यूचर मैं आपके लिए एक यूनिफॉर्म वाली वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें कि जो मोस्ट ओपी यूनिफॉर्म्स है वो कौन कौन सी है जो आपको लेनी चाहिए ब्लैक फ्राइडे पे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको इसकी बिल्ड बता देता हूँ, उसके बाद अपन गेम प्ले स्टार्ट करेंगे। एज़ यू कैन सी गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज का एनर्जी अटैक 43-45 के है। अटैक स्पीड 126.82% है। क्रिटिकल रेट 71.02% है। क्रिटिकल डैमेज 192.14% है। इग्नोर डिफेंस, स्किल कूलडाउन और डोज मैक्सड आउट है। सारे स्लॉट्स एम्पलीफाइड है एक्सेप्ट 3, जिसमें सम ओरिन ब्लेसिंग्स 5 और 6 स्टार के एनर्जी अटैक, अटैक स्पीड, क्रिटिकल डैमेज और इग्नोर डिफेंस के उरू दिए हुए हैं। तो उरू आप बेसिकली अपने नीड के हिसाब से अपने स्टेट जो भी आपका कम है उस अकॉर्डिंग दे सकते हो। सारे स्किल्स लेवल 6 पर है। टाइप एनहांसमेंट रैंक 3 पर है। स्टेज 12 ओवरड्राइव आईएसओ एट सेट दिया हुआ है मैंने इसको। सीटीपी ऑफ रेस दिया हुआ है एज ए कस्टम गियर जिसमें स्टेट्स है। क्रिटिकल रेट 22.6%, डोज 31.5%। यूनिफॉर्म मैथिक है जिसके स्टेट्स है डोज, एनर्जी अटैक, इग्नोर डिफेंस और ऑल अटैक। ऑल अटैक की जगह आप एनर्जी अटैक भी दे सकते हो। तो इसके यूनिफॉर्म ऑप्शन में फर्स्ट है कॉर्वस क्लेव मार्वल्स एवेंजर इन्फिनिटी वॉर वाली यूनिफॉर्म। सेकंड में है टास्क मास्टर मार्वल्स ब्लैक विडो वाली यूनिफॉर्म। थर्ड में है क्विक सिल्वर अनकैनी एवेंजर वाली यूनिफॉर्म। फोर्थ में है मैजिक फिनिक्स 5 वाली यूनिफॉर्म। फिफ्थ लास्ट में है मैग्नेटो हाउस ऑफ एक्स वाली यूनिफॉर्म। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना आज का गेम प्ले। टीम में हमने साइक्लोप्स की लीड, बोल्सन का सपोर्ट और डॉक्टर स्ट्रेंज को रख लिया है। स्किल रोटेशन में आपको इसका बता देता हूँ। स्किल रोटेशन सिंपल है, आपको स्टार्टिंग में हिट करना है फिफ्थ स्किल, उसके बाद 2-3-4, 2-3-4 या फिर 3-4-2, जैसा आपको इजी लगे वैसा यूज़ कर सकते हो एज फास्ट एज यू कैन। जैसे ही इसकी टीयर 3 स्किल एक्टिवेट होती है आपको हिट करना है टीयर 3 स्किल। टीयर 3 स्किल में जैसे ही क्लोन्स आते हैं उसके बाद आपको कैंसिल करना है उसको फिफ्थ स्किल में। फिफ्थ स्किल के बाद आपको वही रोटेशन 2-3-4 या 3-4-2, जैसा आपको ईजी लगे वैसा यूज़ कर सकते हो। और जब मैं ये एबीएक्स कर रहा था गाइस, तब मुझे पता चला कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जो टीयर 3 स्किल है वो रोर कैंसिल के लिए यूज़ हो रही है पैरालाइज डे में भी। तो बहुत ही अच्छी बात है टीयर 3 स्किल से रोर कैंसिल हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इसके रोर का टाइम आता है आपको टीयर 3 स्किल सेव करके रखनी है ताकि आप रोर के टाइम पर टीयर 3 स्किल यूज़ करके इसकी रोर को कैंसिल कर सकूँ। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। Keep enjoying the video.
7.25 मिलियन हिट किया है डॉक्टर स्ट्रेंज की न्यू यूनिफॉर्म के साथ। न्यू यूनिफॉर्म में काफ़ी ज़्यादा बेटर है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो फ्यूचर में देखते रहने के लिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।